ठिकाना होगा। प्रकाश माखीजा जैसा गोल्डन गैंग का प्रमुख प्रकाश माखीजा जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, राजू जगियासी जिसने पप्पू कलानी से गद्दारी की, आपका एक एक वोट पप्पू कलानी के साथ से बरकरार होगा। आपका व्यापारियों का सबसे बड़ा दलाल राजेश चंदानी जिसने पूरे उल्लासनगर में व्यापारियों की तरफ से हम आभारी हैं और व्यापारियों के हमेशा से व्यापारी कलानी परिवार के साथ रहे हैं। दोस्तों, ये जो लोग आए आप देख रहे हो ये कलानी परिवार की ताकत है। भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट आया, नड्डा आया, सुना सभी देवर भी आने वाले हैं। अरे जब प्रोडक्ट में दम नहीं तो इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? ये असली दम कलानी दम। स्टार प्रचारक आए हैं, मनोज तिवारी आए, कुर्सियां खाली मिली, जेपी नड्डा आए, बोले कालानी को वोट कर दो, इस तरीके की जो आप उल्लासनगर में स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनके भी दिमाग में कालानियों का सर चढ़कर जादू बोल रहा है। भाजपा नेता भी बोलने लगे कि कालानी को वोट करो और आप देखते रहेंगे कि पूरे शहर भर में उन लोगों को स्टार प्रचारक को मालूम नहीं कि हम जिसका प्रचार करने जा रहे हैं उनके प्रचार में एक बहुत बड़ा फाइल चोर उनके बाजू में खड़ा हो जाता है बार बार, और उल्लासनगर की जो महानगर पालिका की जो छवि खराब की है ऐसे चोर स्टार प्रचारकों के बाजू में खड़े रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जीत, ये लड़ाई हमारी शहर के भ्रष्टाचारियों से है, चोरों से है, दलालों से है, और ज्योति कलानी 101% चुन कर आ रही है। हमारे आदरणीय नेता कवाड़े सर जी, इनका पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस, PRP, शेतकरी कामगार पक्ष का सपोर्ट है।
और इसी के माध्यम से उल्लासनगर की शान आन बान पप्पू कलानी जी जो गरीबों के नेता है और शहर हित में पप्पू कलानी ने आज तक जो त्याग किया है, भले जो भी है, भले आज जेल में है, लेकिन जनता उनसे आज भी प्यार करती है। और हमारे दलित समाज से मैं विनती करूंगा कि जो भी दलित समाज के भाई बहन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 21 तारीख को आप ज्योति कलानी जिनकी निशानी घड़ियाल है, वोट इधर उधर न डाले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, इनके विचारों के जो लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ज्योति पप्पू कलानी जिन्होंने इस शहर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और कलानी परिवार ही जीतेंगे, इतने बारिश में भी आज यहाँ पर पप्पू कलानी साहब, ज्योति कलानी साहब, भूमि भाई को मानने वाला जो वर्ग है, और हम दलित समाज से फिर एक बार, सिंधी भाइयों से फिर एक बार विनंती करते हैं कि आने वाले 21 तारीख को तन मन धन से, ज़्यादा करके सिंधी समाज को विनंती करूंगा, क्योंकि सिंधी समाज वोट डालने के लिए नीचे उतरते नहीं है। जो भी हमारे सिंधी भाई कार्यकर्ता है उनसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा में ज़्यादा सिंधी समाज के वोट पप्पू कलानी के खाते में डालें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, मुझे हमारे उल्लासनगर वासियों पर पूरा भरोसा है, कोई भी पार्टी आए, कितनी भी ताकत लगाए, हमको हमारे उल्लासनगर वासी पे पूरा भरोसा है। मुझे लग रहा है कि हमको कोई स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है, हमारी जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है, तो मैं उन पे पूरा भरोसा करती हूँ। देखिए, उनको हमारे फोटोज और वीडियोस की जरूरत है, हमको सिर्फ एक पप्पू कलानी जी के फोटो की जरूरत है और पूरी जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति कालानी, कालानी खानदान ने पूरे शहर को 1985 से जो संभाला, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ संभालने वाला। ये शहर सर्वधर्म संभाव का है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व रहते हैं, वो एक कालानी परिवार के भरोसे रहते हैं। ये आरएसएस के लोग जो बीजेपी के समर्थक है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो बीजेपी के समर्थक है, इन्होंने हमेशा जात पात का विषय लिया है। और जो कुमार आलानी आज फिर से खड़े, मैं नहीं चाहता, पिछले वक्त 1800 वोट से जीते थे, तो ज्योति कालानी अभी 18,000 वोट से ज़्यादा जीतेगी, ये हमारा अनुमान है, हमारी भविष्य है। हम चाहते हैं कि जो कुमार आलानी जब 5 साल आमदार बना तो प्लाटेज घेरा, दूसरा कुछ काम किया नहीं। अभी देखो तुम, उसके ऑफिस के बाजू में कितना बड़ा प्लाट घेर लिया है। इतनी बड़ी प्लाट घेरने के बाद बिल्डरों को साथ देकर पूरे शहर को झोपड़पट्टी हटाना चाहता है। ये शहर में बहुत गरीब लोग रहते, वो सिर्फ पप्पू कालानी, ज्योति कालानी, ओमी कालानी के भरोसे रहते हैं। यह दंगा फिसाद कभी जिंदगी में देखा नहीं जब तक कालानी खानदान है। मैं यही करूँगा कि आने वाले दिन जो 21 तारीख को है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति कालानी है, इनके फेवर में ये शहर फिर से जाने वाला है और ये आमदार बनकर पूरे महाराष्ट्र में जाने वाली है। ये हमारी दुआ है और हमारा आशीर्वाद है। पंकज भाई, बताइए कि आज किस प्रकार की रैली है और आज मौसम भी काफी मेहरबान है, तो किस तरह ये रैली को आप सक्सेस करेंगे? महेश जी, ये आपके सामने है, इतनी बारिश होने के बावजूद भी इतने सैकड़ों में कार्यकर्ता, कालानी समर्थक, युवाओं में काफी जोश है, पूरे शहर ने ठान लिए अब की बार ज्योति कालानी आमदार। धन्यवाद। बीजेपी वाले काफी बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर मंगा रहे हैं ज्योति कालानी को हराने के लिए, आपके मंसूबे, युवा के क्या मंसूबे? उल्लासनगर में सिर्फ कालानी स्टार प्रचारक है हमारे लिए और पूरे शहर के लिए सिर्फ कालानी स्टार प्रचारक है। बीजेपी वाले कितने भी स्टार प्रचारक हो रहे हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है, शहरवासी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो बोलो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चा। राजवाणी जी, बताइए किस तरह की आज रैली निकाली गई है, शहर में इतने सेलिब्रिटी मंगाए जा रहे हैं ओमी कालानी के परिवार को हराने के लिए, तो क्या है आपकी रणनीति, क्या रहेगी बताइए? महेश भाई, ये कोई रणनीति नहीं है, ये लोगों का प्यार है जो आप देख रहे हो। इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ की लोगों की आप संख्या देखिए,
उनके स्टार्स प्रचारक आते हैं, फिल्मी स्टार मंगा दे, कुछ भी मंगा दे तो भी इतने लोग नहीं जुटते। आज इतनी बारिश होने के बाद भी इतने लोग जमा हुए तो ये सब कालानी परिवार की तरफ उनकी स्नेह और प्यार है। और बाकी रही बात रणनीति की, तो ये इलेक्शन तो भाभी ज्योति कालानी जीती हुई है, इसमें कोई रणनीति की जरूरत ही नहीं है। और वो अपनी हार देख के ही दिनों दिन रोज नए नए स्टार प्रचारक को मंगा के अपना प्रचार कर रहे हैं, तब भी उनकी मार्केट में कोई उठ नहीं रहा है उनका। धन्यवाद। आज हमारे उम्मीदवार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी जी का के लिए यहाँ पे जो उमड़ा जनसैलाब है, यह कालानी समर्थक लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपना टीआरपी पार्टी और सितकरी पार्टी, मनसे के लोगों ने खुलेआम उल्लासनगर का विकास देके कालानी परिवार का समर्थन दिया है। आज यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये व्यापारी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और ऐसे लोग नहीं हैं जो कि कल एक कुछ दिन पहले शहर में एक रैली निकाली थी पार्टी ने, और हमने एक वीडियो देखा उसमें बोला गया कि मुझे पैसा नहीं मिला रैली का, हमको 300 नहीं मिला, 200 नहीं मिला। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी लोग आए हैं ना तो पैसे पे आए हैं, बिना बुलाए आए हैं, जो कालानी परिवार को चाहते हैं, दिल से मानते हैं, शहर का विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। मतदान करेगी, उसका रिजल्ट आपको 24 तारीख को मिलेगा। आगे बढ़ो, ज्योति कालानी आगे बढ़ो। सभी कार्यकर्ता हमारे पप्पू कालानी को सपोर्ट करने के लिए इस महाविशाल रैली में तो हम सबका स्वागत करते हैं। और अभी तो रैली चालू है तो मैं ये चाहूँगा कि आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि हमारे साथ आई हुई जो भीड़ दिखाइए, खाली जो हमारे साथ लोग हैं ना वो दिखाइए। तो मैं ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि आज भी देख लो, ये सच में कोई पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सब सच में कालानी परिवार को और ज्योति कालानी जी को समर्थन में आए हुए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ है उल्लासनगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राधाचरण कनौतिया जी, कितना इनका समर्थन है सर बताइए, किस तरह की आज रैली है, कितना समर्थन आपको? आज हमारे भाभी ज्योति कालानी का आज यहाँ से 17 सेक्शन 2 उल्लासनगर 3 से रैली है, और उसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पीआरपी और सेका पक्ष का और मनसे का ऐसा हमारा गठबंधन है, और गठबंधन की उम्मीदवार ज्योति कालानी जी है, और आज ज्योति कालानी जी का यहाँ से सभी पक्षों का आज रैली है और बड़ी संख्या में लोग आए। और दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई पैसे की भीड़, पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ स्वयं इच्छा से आई हुई भीड़ है। और आने वाले 21 तारीख को बड़ी प्रचंड बहुमतों से हमारे ये ज्योति कालानी जी चुन के आएगी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे शहर में लगे हुए हैं और अपनी अपनी लेवल पर, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, और निश्चित ये ज्योति कालानी चुन के आएगी। आज भ्रष्टाचार का अंत होने जा रहा है, जो इस शहर में गोल्डन गैंग और सब ने मिलकर पिछले 5 साल में 7 साल में पूरे शहर को लूटा है। आज यहाँ पर वापस से ये चुनाव जो होने जा रहा है आमदार के लिए, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अलायंस धूमधाम से जीतेगी और जोर से जीतेगी। यही हमारी सबसे विनती है कि अपना वोट घड़ियाल को दीजिए, घड़ियाल को। धन्यवाद। आंधी आवे या तूफान आवे, कालानी समर्थक किसी के आगे ना झुका है ना रुकेगा। अरे यहाँ पे सामने विरोधी पार्टी के लोगों को छक्के छूट गए, ले दिल्ली से बुलाते हैं, गली से बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि कालानी के समर्थकों के सामने इनके घुटने ऐसे ही टक गए हैं। कालानी परिवार, ज्योति कालानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस महाआघाड़ी की प्रथम उम्मीदवार, भारी बहुमतों से उल्लासनगर के प्रेमी उनको जिताएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, ज्योति कालानी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अभी भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। पंचम भाभी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। पिछले 3 अक्टूबर को जब बहन ज्योति कालानी ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था, उस दिन कांग्रेस का माजी महापौर हरदास माखीजा उनके साथ में था, और उस दिन से चुनाव तक न सिर्फ कांग्रेस का माजी महापौर माखीजा, पूरी कांग्रेस पार्टी बहन ज्योति कालानी के साथ में, उनके साथ में
बाकी पार्टियां जो है, पीआरपी है, मनसे की मदद मिल गई है और कई सेक्युलर पार्टी हमारे साथ है, शहर की अलग अलग, मैंने जो पिछले 15-20 दिन जो प्रचार में है मैं लगा हुआ हूँ उनके साथ में है, तो मैंने जो माहौल देखा है कि शहर का हर जाति हर धर्म का लोग जो है वो उनके साथ में हैं, वो यूपी के लोग हो, मुसलमान भाई हो, साउथ इंडियंस हो, शहर में क्रिश्चियंस जो रहने वाले हो, कामगार भाई हो, व्यापारी भाई हो, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति चाहता है कि बहन ज्योति कराड़ी फिर से आमदार के रूप में चुन के आए और उस शहर के विकास को आगे ले जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है 100% वो चुन के आ रही है, समझा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कुमार अलानी, मुख्यमंत्री साहब या बड़े बड़े पार्टी के नेताओं को उन्होंने यहाँ प्रचार के लिए बुलाया है, या कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुला रहा है, वो बड़े बुलाए उनकी वो सुने, लेकिन उल्लासनगर की जनता का जो है कालानी परिवार और कालानी परिवार के सदस्यों में पूरा विश्वास है। उन्होंने जो पिछले 35 वर्षों से शहर की सेवा की है, जो भले पप्पू कालानी हो या बहन ज्योति कालानी, उसके बाद वो नगर अध्यक्ष भी रही है, महापौर भी रही है, आज आमदार है, उन्होंने कई मुद्दे विधानसभा में जो है शहर के उठाए हैं, उन मुद्दों को जो है हल भी करवाया, उनका समाधान भी निकलवाया है। उनकी बहू पंचम कालानी, वो आज महापौर के रूप में जो है शहर की सेवा में समर्पित है। ज्योति कालानी का सुपुत्र जो ओमी कालानी है, उन्होंने यूटीए बना के, टीम ओमी कालानी बना के शहर के जितने नौजवान लोग हैं उनको इकट्ठा करके न सिर्फ व्यापारियों की सेवा करता है, लेकिन शहर के अंदर हर जाति और हर धर्म के लोग का कोई भी मसला है और कोई भी उनका प्रॉब्लम पैदा होता है तो एकदम वहाँ पहुँच जाता है और उनको सॉल्व करके उनका समाधान निकाल के उनको देता है। तो ऐसा परिवार जो पूरी रीत से हर तरह से जो है समर्पित है शहर को, उसको जो है बाहर के लोगों का यहाँ जो है प्रचार वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए शहर का यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हर नागरिक चाहता है कि बहन ज्योति कालानी वापस आए और शहर के विकास को आगे ले जाए। आज की रैली के बारे में बताइए, क्या जनता आज का सहयोग जनता का क्या है वो तो आप खुद ही देख रहे होंगे रैली में। मैं हमारे शहर के लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलूंगा कि जिस तरह से आप प्यार हमें दिखा रहे हैं, आप इसी तरह से प्यार हमारे ऊपर बरकरार रखें और ज्योति पप्पू कालानी को वोट देकर के जरूर विजयी बनाएं। बारिश हमारे लिए एक वरदान है, जिस दिन हमने फॉर्म भरने गए थे उस दिन भी बारिश पड़ी थी, तब भी हमारे लोग खड़े थे, ये हमारे पैसे देकर लाए हुए लोग नहीं, ये सब अपने सच्चे मन से पप्पू कालानी समर्थक लोग हैं। आपको लगता है अभी आपकी जीत सुनिश्चित है? मुझे जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, मुझे ये जीत पक्की लग रही है। जी ऑफकोर्स, वो तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी, और जो लोग जुड़े हैं मैं उनको भी सच्चे मन से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों को धन्यवाद।